चलो स्टार्ट करते हैं 13 अक्टूबर के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन, किस राज्य के विश्वविद्यालय ने इसरो के साथ समझौता किया है? किस राज्य के ने किया है? जम्मू एंड कश्मीर राज्य ने इसरो के साथ समझौता किया है। बात करें यहाँ इसरो, तो इसरो के फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसकी स्थापना कब करी गई थी? 1969 को इसकी स्थापना करी गई थी। बात करें मुख्यालय, तो मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है। और बात करें अध्यक्ष कौन है इसरो के, वो है के सिवान, इसरो के अध्यक्ष हैं। इसरो की स्थापना किसने करी थी, यह भी हमें पता होना चाहिए। वो करी थी विक्रम अम्बालाल साराभाई ने इसरो की स्थापना करी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य की सरकार ने मौत की सजा को समाप्त कर दिया है? किस सरकार ने मौत की सजा को समाप्त कर दिया है? मलेशिया सरकार ने मौत की सजा को समाप्त कर दिया है, ठीक है। अब मलेशिया की बात हुई है, तो मलेशिया की कैपिटल हमें पता होना चाहिए, वो है कुआलालंपुर। वहाँ की मुद्रा हमें पता होनी चाहिए, वह है मलेशिया रिगट। और वहाँ के राष्ट्रपति का नाम हमें पता होना चाहिए, वह है महाथिर मोहम्मद, वहाँ के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, विश्व बैंक ने मानव पूंजी सूचकांक में किस देश को शीर्ष पर रखा है? सिंगापुर को शीर्ष पर रखा है। सेकंड पोजीशन में पता होना चाहिए वह है दक्षिणी कोरिया। थर्ड पोजीशन में हमें पता होना चाहिए वो है जापान। बात करें भारत की, तो भारत इस पोजीशन में 115वें नंबर पर स्थित है, जो कि काफ़ी खराब स्थिति है, ठीक है। बात करें यहाँ पे सिंगापुर, सिंगापुर जो कि फर्स्ट पे है मानव पूंजी सूचकांक में, तो सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी, वहाँ की मुद्रा है सिंगापुरी डॉलर, वहाँ के राष्ट्रपति का नाम क्या है? हलीमा याकूब, वहाँ के राष्ट्रपति है। साथ में यहाँ विश्व बैंक की बात हुई है, तो विश्व बैंक की हम स्थापना कब हुई थी हमें पता होना चाहिए। स्थापना हुई थी 1945 को। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में। और वहाँ के चेयरमैन है, प्रेसिडेंट कौन है? जिम योंग किंग वहाँ के प्रेसिडेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सीआईसी के 13वें वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? सीआईसी के 13वें वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया है हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया है, और इसका उद्घाटन दिल्ली में किया गया है, ठीक है। सीआईसी के फुल फॉर्म हमें पता होने चाहिए, इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के क्रिकेटर अब्दुल रहमान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? वो किस देश से रिलेटेड है? वो पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, जो कि स्पिनर हैं। और पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ की जो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है, वो अभी नए बने हुए हैं इमरान खान। और वहाँ के राष्ट्रपति जो अभी नए बने हैं वो हैं आरिफ अलवी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेपाल के एनबीआई ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? किस बैंक के साथ किया है? एसबीआई बैंक के साथ समझौता किया है। और एनबीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल बैंकिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। और एसबीआई की सबको पता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 को इसकी स्थापना हुई थी, और जिसका मुख्यालय मुंबई में है। उसके सीईओ कौन है अभी? रजनीश कुमार एसबीआई के सीईओ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पहला इंडियन इजराइल इनोवेशन सेंटर कहाँ खोला गया? कहाँ खोला गया? ये बेंगलोर में खोला गया, ठीक है। और इसराइल की बात हुई तो इसराइल की कैपिटल है यरूशलम, जो कि काफ़ी चर्चाओं में रही है, विवाद में रहती है, ठीक है। और वहाँ की मुद्रा है इसराइली न्यूशेकर, और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर वो है बेंजामिन नेतन्याहू, इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं। आगे चलते हैं, किस राज्य की सरकार ने एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए एनएसई से समझौता किया है? किस राज्य की सरकार ने किया ये समझौता? उत्तराखंड राज्य की सरकार ने इसका समझौता किया है, ठीक है। और यहाँ पे दो वर्ड आए एमएसएमई साथ में एनएसई, ठीक है। पहले एमएसएमई की फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए, वो है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। और अपने जो एमएसएमई मंत्री है वो है गिरिराज सिंह मंत्री हैं अपने, ठीक है। एनएसई की बात करें तो वह है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। और उत्तराखंड के राज्य में एक अभी करंट अफेयर में इम्पोर्टेंट ये बन जाता है कि उत्तराखंड राज्य के नए गवर्नर कौन है, ठीक है। तो कौन है? बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड राज्य की नई गवर्नर बनी है। बात करें
11 क्वेश्चन, गंगा बचाओ अभियान के लिए किस समाज सुधारक का निधन हो गया है, किस समाज सुधारक का निधन हुआ है, वह है जीडी अग्रवाल। जीडी अग्रवाल ने लगातार 110 दिन तक संन्यास किया है, जो कि गंगा बचाओ अभियान के लिए है, ठीक है। और ये कोई साधारण इंसान नहीं है, ये आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर हैं, ठीक है। इन्होंने 110 दिन तक अनशन किया है गंगा बचाओ अभियान के लिए, और इनकी 111 दिन की मृत्यु हो गई है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर के लिए। अगला क्वेश्चन, जीएचआई की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत बच्चे कम वजन के हैं? कितने प्रतिशत कम वजन के बच्चे हैं? 21% बच्चे कम वजन के हैं, ठीक है। बात करें जीएचआई, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसके फुल फॉर्म है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ठीक है। और बात करें ग्लोबल हंगर इंडेक्स, यानी कि इसमें भारत की कौन सी रैंकिंग है? भारत की रैंकिंग है 103, जो कि काफ़ी ख़राब स्थिति में है, ठीक है। बात करें पीएस जयकुमार, बीओबी को जो सीईओ हैं, इनका कार्यकाल बढ़ा दिया, और कितने वर्ष का बढ़ा है? वह 1 साल का बढ़ा दिया गया, ठीक है। बीओबी की बात हुई है, बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो इसकी स्थापना हमें पता होनी चाहिए, वो है 1908 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ है? वडोदरा, जो कि गुजरात में स्थित है, ठीक है। तो ये हो गया अपने 13 तारीख के करंट अफेयर। इंग्लिश के वीडियो डाल रहा हूँ, और उससे कल नाउन का एक्सरसाइज डाली थी, आज एडजेक्टिव की एक्सरसाइज डालेंगे। तो जो इंग्लिश के जो सीखना चाहते हैं अच्छे से, वो इंग्लिश के वीडियो ज़रूर देखें, और साथ में अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।